बॉस 13 में रोहित शेट्टी आए सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम को समझाने, सो फैंस ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं। बिग बॉस के घर में आज बड़ा धमाका होने वाला है। एक्शन फिल्मों के डायरेक्टर रोहित शेट्टी घर में एंट्री होने वाली है। रोहित अपनी एंट्री सबको चौंका देंगे। वो कैप्टन शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला को हैरान करते हुए कैप्टन के रूम में आश्चर्यजनक रूप से पहुंचेंगे। इसके बाद सभी प्रतियोगी इकट्ठा होंगे। रोहित शेट्टी सभी प्रतियोगियों से कहेंगे कि आप सब लिविंग रूम जाए, वहां पर सिद्धार्थ शुक्ला और असीम रियाज को रोक लेंगे। दोनों से बातचीत करने का फैसला करते हैं। प्रोमो में हम देखते हैं कि रोहित सिद्धार्थ शुक्ला से पूछते हैं कि तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आता है। वो आई आसिम से पूछते हैं कि तुम्हें क्यों लगता है कि सब सिद्धार्थ शुक्ला का साथ दे रहे हैं। इसके पहले हमने देखा है घर में बड़ी लड़ाई भी होती है। विशाल आदित्य सिंह ने शहनाज से शिकायत की। वो कहते हैं कि आसिम को घर के कामों से क्यों छूट दी गई है। शहनाज कहती है कि मैं खुद को ऐसा ही महसूस करती हूँ क्योंकि सब ने काम करने से मना कर दिया। विशाल शहनाज से कहते हैं कि तुम सबको काम दो और जो मना करे उसे सजा दो। इसके बाद शहनाज आसिम को बाथरूम साफ करने को कह देती है। इस पर आसिम को लगता है कि सिद्धार्थ ने शहनाज को उकसाया है। वो सिद्धार्थ पर ताना मारता है। इसके बाद दोनों आमने सामने आ जाते हैं। दोनों में हाथापाई की नौबत आ जाती है। इस पर शहनाज ने भी अपना धैर्य खो दिया और अपने दोस्त सिद्धार्थ का समर्थन किया। वहीं आसिम से पूछती है कि इस मामले में तुम सिद्धार्थ को क्यों घसीट रहे हो। वो जोर से चिल्लाकर कहती है कि सिद्धार्थ मेरा दोस्त है। इसके बाद ही रोहित शेट्टी की एंट्री होती है और रोहित दोनों को समझाते हैं। अब इस पर फैंस रिएक्ट कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, रोहित का प्रोमो देखकर अब मुझे सीरियसली लगता है कि दोनों की फ्रेंडशिप में गहराई है क्योंकि दोनों ने सना को सपोर्ट कर दिया है टास्क में और रोहित ने भी बोला है कि गहराई है इसलिए इतना बाहर निकल रहा है। शुक्ला की आंखों में भी पानी है। रियली यार, हम तो आसिम के फैन है बट बंदे की आंख में पानी देखकर लगा यार बहुत, मिल जाना चाहिए यार दोनों को। वो दोस्ती क्या दोस्ती जिस दोस्ती में इस हद तक झगड़ा ना हो। दोस्ती में अगर गहराई है तभी ऐसा होता है, ये तो हम भी एग्री करते हैं, बस मिल जाए दोनों यार। एक यूजर ने लिखा, एवरी टाइम आसिम इज प्रोवोकिंग सिड बिकॉज उसको पता है कि उसके बिना वो दिखेगा ही नहीं, अपनी गेम उसकी है ही नहीं, दैट्स वाई सिड इज द गेटिंग सपोर्ट बाय पब्लिक। विशाल टोल्ड टू सना, आसिम को बोल वॉशरूम साफ करे बट ही स्टार्टिंग फाइटिंग विद सिड, वॉट इज द रॉन्ग विद दिस गाय। स्टार्टिंग में आसिम को गेम का भी पता नहीं था, दैट शुक्ला ओनली सपोर्टेड हिम। आई नो शुक्ला इज एग्रेसिव बट वो पीछे से नहीं बोलता है, कुछ ना इंस्टिगेट करता है। स्टार्टिंग में जितना सही जा रहा था आसिम अब उतना ही गलत है। वहीं एक यूजर ने लिखा, जब आसिम को काम नहीं करना लड़ना है तो क्या मतलब है उसे बेल्ट देने का, भाई इससे तो अच्छा नहीं देता। वहीं एक यूजर ने लिखा, देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि सिद्धार्थ की साइड ली जा रही है। वहीं एक यूजर ने लिखा, हर कोई आसिम से काम करवाने पर तुला है, आसिम ने अपनी कैप्टनसी में बहुत काम किया और कितना काम करेगा बंदा, और ये रोहित आया शुक्ला की साइड लेने, बायसनेस की हद होती है बिग बॉस। वहीं एक यूजर ने लिखा, प्लीज एक हो जाओ यार, तुम दोनों लड़ते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हो, प्लीज सिड सिम फिर से एक हो जाओ। वहीं एक यूजर ने लिखा, थैंक गॉड दिस रियली नीडेड, दिन ब दिन ये वॉयलेंस देखकर मुझे डिप्रेशन हो रहा था। वहीं ज़्यादातर यूजर्स का मानना है कि रोहित के आने के बाद शायद दोनों में दोस्ती हो जाएगी। वहीं कुछ यूजर्स का मानना है कि असीम गलत जा रहा है क्योंकि वो ज़बरदस्ती सिद्धार्थ को पोक करता है। वहीं लोग कह रहे हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला भी गुस्सा करता है। खबर अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।